नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। उत्तर कोरिया ने किया हाइड्रोजन बम परीक्षण। उत्तर कोरिया ने कहा कि उसने हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस परीक्षण के कारण इलाके में भूकंप आ गया। गौरतलब है कि इससे पहले अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने उत्तर कोरिया में परमाणु परीक्षण स्थल के निकट 5.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किए जाने की बात कही थी, जिससे इन आशंकाओं को बल मिला था कि प्योंगयांग ने संभवतः एक ताजा परमाणु विस्फोट किया है। भूकंप आने के बाद चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने आशंका जताई थी कि उत्तर कोरिया में बुधवार को दर्ज किया गया भूकंप परमाणु परीक्षण का नतीजा हो सकता है। रो पड़े अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के आंखों में उस समय आंसू छलक गए जब उन्होंने देश में बंदूकों पर सख्त नियंत्रण रखने के लिए अपनी योजना पेश की। कनेक्टिकट के न्यूटाउन में दिसंबर 2012 में एक हिंसा में जान गंवाने वाले 20 स्कूली छात्रों को याद करते हुए ओबामा के आंखों से आंसू छलक गए। उन्होंने कहा कि जब भी मैं उन बच्चों के बारे में सोचता हूं, तो अपने आपे से बाहर हो जाता हूं। इसलिए सभी को ऐसे कानून की मांग करनी चाहिए जो गन लॉबी के झूठ का पर्दाफाश करने की क्षमता रखती हो। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि बंदूक रखने वालों की पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी और उनके मानसिक स्वास्थ्य और अपराध के इतिहास को इससे जोड़ने के लिए नियम बनाए जाएंगे। ऑड इवन का कमाल, दिल्ली में सुधरी हवा की गुणवत्ता। दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से आरंभ हुई सम विषम योजना की सफलता का दावा करते हुए कहा कि वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कटौती के कारण प्रदूषण के स्तर में PM2.5 की गिरावट आई है। सरकार ने कहा कि 55 से अधिक स्थानों के लिए गए प्रदूषकों के डाटा से ये बात स्पष्ट होती है कि शहर के कई स्थानों पर हवा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है तथा सम विषम योजना का सकारात्मक प्रभाव रहा है। दिल्ली सरकार ने कहा कि स्तर में गिरावट से पता चलता है कि सड़कों से चार पहिया वाहनों में कमी आने का सकारात्मक असर हुआ। आईआईटी कानपुर की एक रिपोर्ट में कहा गया कि जाड़ों में PM2.5 में वाहनों के प्रदूषण का योगदान करीब 25% होता है।